फाइनली दोस्तों यू का सीजन 4 का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। तो यू सीरीज के जो फैंस थे बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे इस सीरीज का। इस बार की जो कि कहानियां पिछले 3 सीजन से एकदम अलग है। स्टोरी फोकस करती है जो गोल्डबर्ग लंदन में आता है और वहां पर अपनी एक नई पहचान बनाता है जोनाथन मोर, और वहां पर एक प्रोफेसर का काम करता है। तो वहाँ पर एक लड़की केट की मदद करता है जो कि अमीरों का एक ग्रुप होता है, तो उनके ग्रुप में इसको शामिल कर लिया जाता है। तो उन अमीरों में से एक का खून हो जाता है जिसके तामझाम को भाई जो नहीं साफ करना होता। तो इसके बाद उन अमीरों का खून होने लग जाता है, जो अमीरों के ग्रुप में से एक खूनी होता है जो कि भाई जो का सारा पास्ट जानता है कि इसने क्या क्या किया है। तो भाई अब जो ढूंढना चाहता है कि आखिर इनमें से किलर कौन है, इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा, तो उसी चीज को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है। इस बार की भाई स्टोरी है ना, पहले होता ये था कि जो एक लड़की के प्यार में फंसता है तो फिर वहीं से डेडली गेम शुरू होता है, यानी कि कोई भी उसकी आंधे बांधे डालता है तो उसको ये मार डालता है। लेकिन इस सीरीज में एकदम अलग है भाई, शांत लाइफ शुरू करना चाहता था, लंदन में जाता है जोनाथन मोर बन के और वहाँ पर एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहता है। होता ये है वहाँ पर वो गड़बड़ नहीं करना चाहता, गड़बड़ दूसरे करते हैं और इल्ज़ाम इस पर डालते हैं, तो फिर इसको रहता साफ करना पड़ता है। तो आपको पता ही है कि जो गोल्डबर्ग जब प्रेशर उस पर होता है ना तो कैसे काम करता है और ऐसी ऐसी सिचुएशंस से अपने आप को कैसे निकाल लेता है। और जो कि बंदा इन रईसों में से एक खूनी था, तो उसको ये पता नहीं था कि भाई मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, जो गोल्डबर्ग से, जो कि प्रेशर में और भी ज़्यादा डेडली बन जाता है और मेरे ऐसा शिकार करेगा, ये उसको पता नहीं था। तो भाई सीजन का जो कि प्लॉट है बहुत ही टर्न एंड ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं। हर मोमेंट में आपको कोई ना कोई थ्रिलर मोमेंट देखने को मिलता है। जो कि वो अमीरों के ग्रुप में आपको लगता है कि भाई ये खूनी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, जब एंड आएगा तो आप सोचेंगे भाई ये और ये। तो ये वाला भी मेरे को जो कि प्लॉट का ट्विस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। मैंने यू सीजन 3 देखा था तो मेरे को भी भाई वही लग रहा था कि हर बार की तरह वही किसी पिटी स्टोरी, यानी कि उसी को, यानी कि थोड़ा बहुत मैं बोर हो गया था जो कि यू का पिछला सीजन था। लेकिन इस बार यार 5 एपिसोड थे, शुरू से लेकर एंड तक मैंने इस सीरीज को मुकम्मल देखा है, एक मिनट के लिए भी भाई मेरे को बोरिंग फील नहीं हुआ। और जो कि एक्टर्स का परफॉर्मेंस है, जितनी भाई न्यू करेक्टर्स लिए गए हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। खास तौर पर जो कि केट का करेक्टर है वो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है जो गोल्डबर्ग के साथ। इस बार के जो कि रिव्यूज़ हैं क्रिटिक्स के या जितनी भी ऑडियंस है, तो उनको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। और मैंने एक हिंट सुना है कि शायद इसका अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सीज़न 4 एंड होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई सीज़न 5 भी शायद आ जाए, हिंट मिला है। तो अगर मुझे इस सीरीज़ के सीज़न 4 को रेटिंग देनी हो 5 में से, तो 4 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं ये पर ख़त्म। यार चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।